नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। जी हाँ, मेरा ये सवाल है टू महेश भट्ट साहब, जो ऑब्वियसली डिप्रेशन की कहानी बेचते हैं व्हेन इट कम्स टू सुशांत सिंह राजपूत, मगर उनको अपनी बेटी की खुद की डिप्रेशन के ऊपर कोई चर्चा नहीं करनी। वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के हित में बोलते हैं जब पाकिस्तान का कोई न्यूज़ टेलीविजन चैनल उसकी इंटरव्यू ले रहा होता है और उस इंटरव्यू में वो सनी देओल के डायलॉग्स को टारगेट कर रहा होता है, ये कह के कि ऑब्वियसली भारत के अंदर जो बीजेपी सरकार है वो ये थॉट प्रोसेसेस प्रमोट करती है। तो मुझे समझना है महेश भट्ट साहब से, क्या राष्ट्र के हित में सोचना गलत सोच है, क्या देश के हित में सोचना गलत सोच है, क्योंकि हिंदुस्तान का बंटवारा आई थिंक पाकिस्तान को चलाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने कराया था और वही पाकिस्तान का समर्थन आप कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। 1947 का बंटवारा किसने कराया? बीजेपी ने कराया कि कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना की मिली हुई साजिश थी वो? क्योंकि आपको समझना चाहिए कि आप जो बोलते हैं आपकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करती है आपका ये भाषण जो पाकिस्तान के हित में होता है, ये कह के कि बीजेपी सरकार ऑब्वियसली नेशनलिस्ट सोच को बढ़ावा देती है। जी हाँ, नेशनलिस्ट सोच को बढ़ावा देना अच्छी बात है, क्योंकि हम राष्ट्र के हित में सोचने वाले लोग हैं। साथ साथ में आपका जो बेटा है राहुल भट्ट, उसके कनेक्शंस थे हेडली के साथ जो इन्वॉल्व था इन 2611 अटैक्स। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप अपने खुद के बच्चों के बारे में इतनी चिंता करते हैं जितना आप रिया और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में करते थे? एक सवाल है आपसे, सिर्फ इतना ही। नमस्ते।